असल स्टूडेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल डॉक्टर गाइड आई एम डॉ बुरहान जाहिद एम बी बी एस थर्ड ईयर सी एम एच खारिया मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं नम्स एडमिशन दो हज़ार चौबीस के हवाले से नम्स ने एडमिशन का ऐलान कर दिया है आपने अप्लाई कैसे करना है किस जगह पर जाके अप्लाई करना है एडमिशनस कैसे होंगे और मेरिट लिस्टें कब लगेंगे सबसे बढ़ के, के एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या होने जा रहे हैं इस दफ़ा नम्स का ये तमाम चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर हम, हम डिस्कस करेंगे इन सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसीजर आप तक पहुंचती रहे और मुझे इंस्टाग्राम पे लाजम फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे मैं उसी बच्चे को रिप्लाई देता हूँ जिसने मुझे फॉलो किया होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक ड्रॉप कर दिया है मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा सबसे पहले हम चलते हैं नम्स के एडमिशन 2024 की तरफ मैं आपको ले आया हूँ नम्स की वेबसाइट पर इधर नम्स की वेबसाइट पर एक तो एम के रिजल्ट का नोटिफिकेशन आ रहा है नीचे आ रहा है एम एडमिशन इन टू नम्स कॉन्स्टिट्यूट एफिलेटेड ऑल मिल्टी आर्म फोर्स एडमिनिस्ट्रेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज ट्वेंटी ट्वेंटी इसको सबसे पहले हम कर लेते हैं ओपन जब इसको ओपन करते हैं तो आपके पास तमाम कॉलम्स आ जाते हैं जिसके अंदर बताया हुआ है एडमिशन कब से ओपन हो रहे हैं सबसे पहले आर्मी मेडिकल कॉलेज को उन्होंने बताया है, उनकी टेंटेटिव डेट दिया नॉट अ फिक्स डेट ठीक है टेंटेटिव डेट के अकॉर्डिंगली जो एएमसी के एडमिशन है वो ओपन हो रहे हैं 9 अक्टूबर 2024 को और बाकी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नम्स के हैं उनके एडमिशन ओपन हो रहे हैं आपके सोलह अक्टूबर दो को काफ़ी लोग तो मुझसे ये पूछते हैं सर ये मुझे बताएं कि आर्मी मेडिकल कॉलेज और बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में क्या डिफरेंस है आर्मी मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस कितनी है अच्छा तो इस चीज़ को मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो आर्मी मेडिकल कॉलेज है ये भी अब एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो चुका है नम्स का आज से दो साल पहले इनकी जो फ़ीस थी वो दो लाख बीस हज़ार हुआ करती थी सिर्फ चालीस स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट होते हैं ए के लिए जिन्होंने नम्स के अंदर टॉप मेरिट वाले होते हैं लेकिन बात है कि अब उन्होंने लास्ट ईयर से दस लाख रुपए फ़ीस कर दी हुई उन चालीस बच्चों की भी लाइक जो बच्चे इनके मेरिट पे आएंगे उनकी फ़ीस दस लाख रुपए पर ईयर है और टोटल पचास लाख आलमोस्ट बनती है और इसके अलावा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो नम से एफिलेटेड बाकी कॉलेजेस हैं जिसमें सीएमए लाहौर मुल्तान भावलपुर कराची इस्लामाबाद खारियाँ और बहावलपुर आता है ये तमाम कॉलेजेज़ ऐसे जो नम से एफिलेटेड है इनके एडमिशन जो हैं वो सोलह अक्टूबर को ओपन हो रहे हैं इनके फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो मैंने अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया हुआ है अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया जल्दी से हमारा ग्रुप को ज्वाइन करें ग्रुप के अंदर आपको तमाम नम्स और यू की मेरिट अपडेट्स दी जाती हैं कम मेरिट वाले कम फीस वाले प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज़ को बारे में आगाह किया जाता है और तमाम जो भी मेरिट लिस्टें आती हैं तमाम मेडिकल कॉलेजेस की बेशक वो नम्स में हों या यूएचएस के कॉलेजेस हों वो मेरिट लिस्ट इधर शेयर की जाती हैं इसके अलावा जो पेरेंट्स हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनको अगर आइडिया नहीं है कि एडमिशन कैसे होना है आगे क्या करना है फर्दर प्रोसीजर बिल्कुल आइडिया नहीं है तो वो हमारी पेड कंसल्टेंसी सर्विसेज भी ले सकते हैं उसके अंदर उनको उनके बच्चे के एग्रीगेट के अकॉर्डिंगली कम्प्लीटली गाइड किया जाता है कि ये बच्चा नम्स के लिए एलिजिबल है नम्स के अंदर अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए यू की तरफ जाना चाहिए यू की तरफ अगर इसका मेरिट बन रहा है तो कौन कौन से कॉलेज़ में बन रहा है आप हमारी पेड कंसल्टेंसी सर्विस के लिए भी इस नंबर पर तक कर सकते हैं जीरो थ्री जीरो सिक्स सिक्स एट फोर सिक्स नाइन फाइव सेवन इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके मैरिड डिटर्मिनेशन फार्मूला क्या है इसमें फिफ्टी परसेंट है फोर्टी परसेंट एफ एस सी है और टेन परसेंट मेट्रिक है एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लाजमी अटेस्ट करवा लेने हैं आई बी सी सी से आई बी सी सी की अटेस्टेशन कैसे करवानी है काफ़ी बच्चे इसके हवाले से पूछते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं हाउ टू अटेस्ट योर डॉक्यूमेंट्स फ्राम आई बी सी सी तो ईच एंड एवरी डिटेल्स आपको कोई ना कोई वीडियो मिल जाती है इसके बाद अप्लाई कैसे करना है अप्लाई करने के लिए जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं वो ओपन मेरिट पर अप्लाई करेंगे इसके बाद पासिंग परसेंटेज इन्होंने बताइए पचपन परसेंट एम बी बी एस के लिए पचास परसेंट बी डी एस के लिए साठ परसेंट एफ़ एस सी में होना लाजमी है अच्छा इसके बाद उन्होंने पेइंग कैडिट्स के बारे में बताया कि वो ओपन मेरिट के लिए अप्लाई करेंगे फॉरेन सीट्स का बताते हैं कि फॉरेन सीट के ऊपर जो बच्चे डुअल नेशनल होंगे पाकिस्तान का ओरिजिन हो या ओवरसीज पाकिस्तानी हो कैन अप्लाई फ़ॉर एडमिशन ऑन फॉरेन सीट्स इसके बाद उन्होंने बताया कैंडिडेट्स की जो एफएससी है वो पाकिस्तान के बाहर की होनी चाहिए फ्राम आउटसाइड पार्सन और सर्टिफिकेट जो है फ्राम द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड टू इट दिस इफेक्ट इसके बाद 66, 60 इनका भी एफ एस सी का होना चाहिए इक्वेलेंस का भी और वही फ़िफ्टी परसेंट एम एम बी डी एस के लिए फ़िफ्टी फाइव परसेंट एम बी बी एस के लिए निजे यू के वालों के लिए थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं हर कॉलेज की वेबसाइट पर फीस स्ट्रक्चर आ चुका हुआ है बाकी हमने अपने ग्रुप के अंदर भी इन शेयर कर देने अभी कल तक तो अगर आपने अभी तक हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ग्रुप ज्वाइन कर लें और जिन बच्चों का मेरिट कम है वो एडमिशन करवाना चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान के अंदर एडमिशन नहीं हो रहा तो वो आप चाइना के लिए विलिंग है तो आप हमसे राता कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप इन टाइम स्टडी एडवाइजर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन टाइम स्टडी एडवाइज़र्स एक लीगल प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को चाइना के अंदर इनके एडमिशन करवा रहा है ये लास्ट आलमोस्ट फोर टू फाइव ईय से वर्किंग कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इन्होंने अभी तक फिफ्टीन हंड्रेड प्लस स्टूडेंट्स के एडमिशन करवा दिए हुए हैं इनके फोर फिफ़्टी प्लस के से जो प्रोग्रेस चल रहे हैं स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं टेन ईयर प्लस इनके एक्सपीरियंस है तो आपने अगर अभी तक आपका पाकिस्तान के अंदर एडमिशन नहीं हो रहा तो आप चाइना में जाना चाहते हैं तो आप इनसे कॉन्टैक्ट लाजमी कर सकते हैं इनकी वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दिया है आगे अगर में आगे बढ़ते हैं इसके बाद मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से रिखवाते हैं एक आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए कैंडिडेट और उसके फादर का सी होना चाहिए सी नहीं है तो बेफॉर्म चल जाएगा ठीक है डोमिसाइल होना चाहिए जिन बच्चों ने अभी तक डोमिसाइल नहीं बनवाया तो वो लाजमी बनवा लें एफ की ओरिजिनल आपके पास रिजल्ट शीट हो या रिजल्ट कार्ड हो तो उसके अंदर आई बी सी सी की अटेस्टेशन लाजमी है ये इन्होंने इधर मैंडेटरी करार दी है इसी तरह एफ एस सी की भी होनी चाहिए मेट्रिक हो की भी होगी एफ एस सी की भी होगी अगर ए लेवल ओ लेवल है तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए आई बी सी सी के इक्वेलेंस ओ लेवल का या ए लेवल दोनों का बना होना चाहिए कॉपी ऑफ नम्स के रिजल्ट कार्ड की कॉपी होनी चाहिए और जो है जो लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंड किया है ये सिर्फ फ़ॉरन स्टूडेंट्स के लिए उसके सर्टिफिकेट होना चाहिए ये नीचे इन्होंने फिर लिखा है कि आपके लिए लाजमी है कि आप आई बी सी सी से अटेस्टेशन करवाते हैं और नीचे लिखा हुआ है जो फ़ॉरन इक्वल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो अपने इक्वेलेंस सर्टिफिकेट या प्रोविजनल इक्वलेंस लेटर जो है वो टेंथ और ट्वेल्थ एग्जामिनेशन जो है उनका अपने आई से लाजमी बनवा लें उसके ऊपर एडमिशन होगा अब नम्स के अंदर कॉलेज कौन कौन से आते हैं इसके अंदर से वा कैंट हाई टेक सी एम एच खारियाँ लाहौर मुल्तान बहावलपुर कराची इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस मिलिर कैंट कोयटा फाउंडेशन बैरिया फ़ाइल लुफ्फा फिजाइ इस्लामा और नस्ट नस्ट के इस दफ़ा एडमिशन जो है वो नम्स के अंडर हो रहा है लास्ट ईयर तक जो नस्ट के एडमिशन थे वो हुए नम्स के टेस्ट के थ्रू थे लेकिन उन्होंने अपने एडमिशन जो हैं वो आ, खुद ही किए थे नम्स के टेस्ट के पे लेकिन इस दफ़ा जो है वो नम्स ही कर रहा है नस्ट के एडमिशन भी और इसके अंदर जो डेंटल कॉलेज सी एम ए लाहौर हाईटेक मुल्तान फाउंडेशन और बहरी आते हैं पांच डेंटल कॉलेज़ आते हैं इनके एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट की बात करते हैं तो लास्ट ईयर की नस्बत इस दफ़ा नम्स का मेरिट जो है वो थोड़ा सा कम होने जा रहा है एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट आलमोस्ट आलमोस्ट पंजाब के हवाले से एटी से 89 तक रहने के चांसेज और कराची के हवाले से 82 से 84 के दरमियान दरमियान रहेगा इससे ना ज़्यादा होगा ना कम होगा ये आलमोस्ट मैंने कंप्लीट नम्स के आपको डिटेल शेयर कर दी है बाकी अप्लाई के बारे में भी आपको बताता चलो जब अप्लाई स्टार्ट होता है आपने नम्स की वेबसाइट पे आके एक ही दफ़ा तमाम कॉलेजेस में अप्लाई कर देना होता है सब कॉलेज़ में अलग अलग अप्लाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती और बाकी रही बात की मेरिट लिस्टें कब लगती हैं मेरिट लिस्टें तकरीबन अप्लाई करने के महीने बाद लगना शुरू होती हैं पहले प्रोविजनल लिस्ट लगती है फिर कॉलेज वाइज लिस्टें लगती हैं वो तमाम लिस्टें भी हम अपने ग्रुप के अंदर शेयर करते रहते हैं वक्तन फवका तमाम अपडेट्स आपको ग्रुप के अंदर मिलती रहेंगी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सअप नंबर पर टेक्सट करें जीरो व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करें आपको डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगे ग्रुप की ग्रुप के अंदर तमाम इनफॉर्मेशन आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर लास्ट भी फॉलो कर लीजिएगा शुक्रिया हाफिज़